अस्सलाम वालेकुम, ये गुलाम मुस्तफा इस्लाम स्ट्रीट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से बहरिया टाउन कराची के अंदर आज ओल्ड बीटीके में हम आपको प्रिसेंट 27A का विजिट करवाने जा रहे हैं। प्रिसेंट 27A में 500 स्क्वायर यार्ड की कटिंग दी गई है बहरिया टाउन की तरफ से और मेन जिनाया एवेन्यू का ये प्रिसेंट है। जैसे ही आप अली ब्लॉक क्रॉस करते हैं और अली फ्लाई ओवर के बिल्कुल नेक्स्ट साइड पर लेफ्ट तरफ प्रिसेंट 27A का एरिया स्टार्ट हो जाता है। प्रिसेंट 27A की सराउंडिंग्स में गोल्फ सिटी का एरिया आ जाता है, अली ब्लॉक का एरिया है। इसी तरह से इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे प्रिसेंट 27 का एरिया आ जाता है, जहाँ पे बहरिया टाउन ने 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स और 235 स्क्वायर यार्ड के विलास दिए हैं। ये सारी सराउंडिंग इसकी ऑलमोस्ट अलाइव होना स्टार्ट हो चुकी है, अली ब्लॉक के अंदर अच्छी खासी आबादी हो चुकी है। इसी तरह से प्रिसेंट 27 आबाद है, यहाँ पे शॉपिंग गैलरी भी एक्टिव है, मस्जिद भी ऑलमोस्ट ऑपरेशनल होने वाली है। जो बहरिया टाउन की तरफ से बनाए गए विलाज हैं वहाँ पे भी काफ़ी हद तक आबादी हो चुकी है, काफ़ी अलाइव हो चुके हैं और इसी के साथ साथ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। 27 में हम एंटर हो चुके हैं और ये इसका रोड वन है। रोड वन पे हम देखें तो काफ़ी सारे विलाज हमें इस टाइम पे यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रीट्स के अंदर नज़र आ रहे हैं। आज से एक साल पहले तक अगर हम देखें तो यहाँ पे ये सारे विलाज हमें कोई बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे हमें विलाज नज़र नहीं आते थे। आज यहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद में विलाज हैं। ना सिर्फ ये विला कंप्लीट हो चुके हैं, तकरीबन यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो 8 से 10 विलाज वो हैं जो 100% कंप्लीट हैं और जिनके अंदर फैमिलीज़ भी यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं। ये सामने जो आप अभी विला देख रहे हैं, इसके बाहर अगर आप देखें तो फैमिली का कहाँ से अंदाज़ा होता है कि फैमिली शिफ्ट हो चुकी है या नहीं। बहरिया टाउन उस घर के बाहर बास्केट रख देता है, गारबेज कलेक्शन जो बास्केट है वो रखी जाती है। इसी तरह से फिर वहाँ की जो अमेनिटीज़ हैं, जो लॉन है वो फैमिली घर वाले उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें ऐसे को 8 से 10 घर नज़र आ रहे हैं जो इस टाइम पे कंप्लीट हैं और बाकी काफ़ी सारे घर यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर में और अपने डिगिंग के फेज़ में भी हैं। हम रोड 6 पे मौजूद हैं इस टाइम पे और रोड 6 के ऊपर एंटर होके हमने लेफ्ट टर्न लिया। यहाँ पे अराउंड हमें कोई थर्ड घर सामने नज़र आ रहा है जो रोड 6 के ऊपर अपने कंप्लीशन के फेज़ में है। दो घर के अंदर फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं, ये थर्ड घर है जिसकी फिनिशिंग चल रही है। इसी तरह से यहाँ कनेक्टेड जो स्ट्रीट्स हैं उसका भी आपको विजिट करवाएंगे। ओवरऑल प्रिसेंट 27A एक आइडियल प्रिसेंट है। 500 स्क्वायर यार्ड के अंदर आपको बड़ी रीज़नेबल प्राइस के अंदर यहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाता है और अगर आप एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर 500 स्क्वायर यार्ड का विला बनाना चाह रहे हैं, प्रिसेंट 27A जो है आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। और इसी तरह से ये सामने इसका जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये 27A का आगे वो एरिया है जो कनेक्ट करता है गोल्फ को और गोल्फ सिटी के अंदर भी 500 स्क्वायर यार्ड का ये पोर्शन है इसके बिल्कुल साथ। और गोल्फ सिटी के अंदर 500,000 और 2,000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स दिए गए। काफ़ी हाइटेड ये एरिया है, सामने अगर आप देखें तो आपको एक अच्छी खासी हाइट नज़र आ रही है। राइट साइड पे आपको जो विलाज नज़र आ रहे हैं येली ब्लॉक के हैं, 250 स्क्वायर यार्ड और 125 स्क्वायर यार्ड के विलाज हैं। और अब हम रोड 6 से मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स रोड 5 की तरफ। ये रोड 5 है, यहाँ पे जितना भी काम है वो कंप्लीट हो चुका है और 27A का ये जो पोर्शन है ये आगे फर्दर फिर इसके आगे कुछ एक न्यू कटिंग का एरिया है और कुछ ओल्ड कटिंग है। ये राइट साइड पे सारी की सारी ओल्ड कटिंग है जहाँ घर बने हुए हैं और लेफ्ट साइड पे आगे जो एरिया आएगा वो न्यू कटिंग का है। वहाँ पे काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट है वो हो चुकी है, कुछ डेवलपमेंट वहाँ रहती है होने वाली और आई होप सो कि बहरिया टाउन उसको भी बहुत सोन कंप्लीट कर देगा। अब रोड 5 से हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स रोड 4 की तरफ। अब ये जो लेफ्ट साइड पे सारा एरिया है ये न्यू कटिंग का एरिया है और यहाँ पे आप देखें तो ऑलमोस्ट जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये सारा न्यू कटिंग का एरिया है, यहाँ पे तकरीबन 95% डेवलपमेंट कंप्लीट है। थोड़े बहुत यहाँ पे हमें कोई रैम्प्स वगैरह नज़र आ रहे हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है, बाकी अदरवाइज़ यहाँ पे सारे रोड बन चुके हैं। 100% यहाँ पे जो एरिया है वो रेडी फॉर पोजेशन हो चुका है।
जिन कस्टमर्स के यहाँ पे प्लॉट हैं, जो वेट कर रहे थे कि इस एरिया को कब पोजीशन दिया जाएगा, वो भी उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि ये सारा एरिया इस टाइम पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बिल्कुल सामने कुछ बिल्डिंग्स आपको बनती हुई नज़र आ रही है, हाई राइज बिल्डिंग। ये गोल्फ सिटी के अंदर पैरागॉन के टावर्स हैं, जिन्हें पैरागॉन गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 2 से 3 टावर्स बनाए जा रहे हैं और ये उसका एक टावर का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। बाकी भी यहाँ पे काफ़ी सारी डेवलपमेंट, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं 500 स्क्वायर यार्ड के। ये सारा लेफ्ट साइड पे अगर आप देख रहे हैं, ये न्यू कटिंग के एरिया के अंदर ऑलमोस्ट मुझे 4th घर है जो यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है। ओवरऑल अगर हम देखें तो अराउंड हमें यहाँ पे 25 के करीब, ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 25 के करीब हमें यहाँ पे घर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। 27A में इस टाइम पे आपको अराउंड 80 लाख से लेके ऑनवर्ड आपको 90-95-1 करोड़ तक की ब्रैकेट में यहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। और जो न्यू कटिंग का एरिया है, लोएस्ट प्राइस उस तरफ है और ये जो ओल्ड कटिंग है, हाईएस्ट प्राइसेस इस तरफ हैं। और आज से अगर हम साल 1.5 साल पहले का कंपैरिजन कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे अराउंड कोई प्लॉट मिनिमम 90 लाख में मिलना स्टार्ट होता था और अप टू 150-155 यहाँ तक में हमें यहाँ पे प्लॉट मिलता था। आज बड़ी रीजनेबल प्राइसेस हैं, आप 3 करोड़ रुपए में विला की कंस्ट्रक्शन हो जाती है और इसी के साथ साथ 1 करोड़ रुपए में आप प्लॉट खरीदें तो 4 करोड़ रुपए के अंदर यहाँ पे आपको विला आप बना सकते हैं। 4 करोड़ के अंदर आप एक अच्छी रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के साथ आप एक घर को ऑन कर सकते हैं। फर्दर आपका कोई क्वेश्चन है प्रश्न 27A से रिगार्डिंग, या विला बुक करना चाह रहे हैं अपना, तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।